हेलो एंड वेलकम टू विजन मैथ। दिस इज असद। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि करंट अफेयर कैसे पढ़ें, करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ें। देखिए, करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया, एएमयू या फिर किसी भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो तकरीबन 8 से 10 महीने के पिछले 8 से 10 महीने के करंट अफेयर क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं उसके मेन मेन टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर जैसे बताऊँ, तो इंडिया में जो भी आपका पॉलिटिकल चेंजेस हो रहा है, जो सोशल चेंजेस हो रहा है, कोई नया बिल पास हुआ, अभी रिसेंटली बात हो रही है अग्निपथ की, तो ये आपका कब लॉन्च हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके जनरली पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर अगर चेंज होता है या गवर्नर चेंज हुआ, तो इन तरह के क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान जो आपके हो गए, वेरियस स्कीम्स वगैरह जो भी लॉन्च किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उसको आपको ज़रूर से पढ़ लेना, उससे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, उससे पहले जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आपके हुए हैं, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 25 को अभी आपका ज्योग्राफी पॉलिटिकल, जैसे 25 को आपका ज्योग्राफी सोशोलॉजी और साइकोलॉजी का एंट्रेंस होने वाला है, तो इससे पहले जो भी जामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें जो भी करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस आपके आए हैं उसको आपको देख के अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसको भी ज़रूर से आपको पढ़ लेना है। मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।